नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर गफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सितारगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में फैल रहे नशे के कालो कारोबार को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कोतवाल सलाउद्दीन की मौजूदगी में पिछले कुछ ही दिनों में कई नशा कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और उनकी ये कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी के निर्देश और कोतवाल सलाउद्दीन द्वारा प्राप्त निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार शाम अमरिया पीलीभीत रोड जनता फार्म के पास दो लोगों को संदिग्ध रूप से खड़े देखा। शक होने पर पुलिस स्टाफ उनकी तरफ बढ़ा तो दोनों युवक भागने लगे, जिस पर पुलिस द्वारा दोनों को पकड़कर तलाशी ली गई। वहीं एक युवक के पास से 14 ग्राम स्मैक बरामद हुई तो दूसरे युवक के पास से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। सागमन निर्देशन में जो नशे का अभियान चला उसी अभियान को भार देते हुए आगे बढ़ाते हुए कल फिर चेकिंग में सायंकालीन जनता फार्म पर दो लोगों को जो शायद स्मैक के सप्लायर हैं, जनपद बरेली के रहने वाले हैं, थाना शाही के एक जलीस अहमद और मुनीस कश्यप, इनसे 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए। दोनों कल गिरफ्तार किया गया और यहाँ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्हें आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, ये भी शिद्दत के साथ जारी रहेगा। मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लगभग 3 लाख की वैल्यू बता रहे हैं।